Good morning, class. In the last lecture, we discussed Rabi crops, and today we will discuss Kharif crops. These crops are sown in monsoon, June, July, and harvested in September to October. Some of the Rabi crops are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोया बीन। एंड द एरिया वेयर दिस क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली ग्रोन इन रीजन ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, जहाँ पर जो है समर मॉनसून, ये कोस्टल रीजन है कुछ महाराष्ट्र का, जैसे केरला का, तो इन जगह पर जहाँ पर मॉनसून ज़्यादा आता है। ठीक है, जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप कौन सी होती है? जब रबी क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं अप्रैल में, और खरीफ क्रॉप सोन कब होती हैं? जून में। तो अप्रैल से जून के बीच के जो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के बीच में जो क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं, दैट आर जैड क्रॉप्स सोन इन समर मार्च अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन जून, शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ। ओके, एक तरह से खारीफ रबी और खारीफ क्रॉप्स के बीच का जो टाइम बचता है वो रबी को हार्वेस्ट होने के बाद और खारीफ के सोन होने से पहले के बीच वाले टाइमिंग में जो होती हैं। शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ, सम ऑफ द क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फोडर्स। ओके, सो there are three types of main crops grown in India: rabi crops, kharif crops and zaid crops. Okay, so major crops of India grown in India, these are the grain: rice, wheat, millets, maize, pulses. Food crops other than grain: sugarcane, oilseed, tea, coffee, horticulture. Tea and coffee will come in beverage crops. Okay, जो पेय पदार्थ बोलते हैं जिनको, beverage crop अगर कही जाए तो कौन सी आएंगी? Tea and coffee. And non-food crops are rubber and fiber crops are silk, cotton and jute. Jute is also called golden fiber. Okay, another name. We will discuss about these crops in detail in next video. Okay, till then note all the points and revise these.